हेलो दोस्तों, आपका बाबा टायर सर्विस में स्वागत है। हमारे पास दोस्तों एक चक्का आया है जिसकी हब पूरी तरह बैठ चुकी है। तो कस्टमर कहता है कि इसको ठीक कर दो, बट इसमें खर्चा बहुत आएगा। हमें पहले सारा जाल खोलना पड़ेगा, फिर इसकी हब चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि उसे हमने सलाह दी है कि अगर भाई इतना खर्चा कर रहे हो तो एक नवा चक्का डलवा लो। ये आप देख सकते हैं सारा बैठ चुका है। अगर इसको रिपेयर करना है तो हम रिपेयर भी कर देंगे, बट इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसकी हब चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे पास वेल्डिंग का जुगाड़ है, हम वेल्डिंग से इसकी हब सही कर सकते हैं वेल्डिंग से, लेकिन फिर भी रिस्की काम है। तो कस्टमर को हमने कहा है कि नवा चक्का डलवा लो। एक्चुअली ये इकट्ठा होने का कारण क्या है, तो उसको इकट्ठा होने का हमने कारण बताया था कि भाई तुम्हारा जाल बहुत ढीला है, तुम जाल कसवा लो टाइम पे। बट उसने मतलब इग्नोर किया इस बात को कि हब ये इकट्ठी हो चुकी है। तो ये चक्की है, चक्का देखने में तो मजबूत है पर जाल ना कसवाने की वजह से ये सब खराब हो गया है। और एक ये चीज़ और, ये कुछ लोग साइकिल के चक्के में बड़ा फ्राईव्हील डलवा लेते हैं रक्षे का, तो फ्राईव्हील जड़ी की होती है वो नहीं सकती, तो फिर इसको पूरी तरह खोलना पड़ता है। तो इसको खोलने के बाद हमने इसको कहा भाई अब इसमें बड़ा फ्राईव्हील मत डलवाओ, छोटा ही डलवा लो। ये देखिए नवा चक्का हमने फिक्स कर दिया है और उसमें फ्राईव्हील भी हमने छोटा डाल दिया ताकि आगे चल के आसानी से हम खोल सकें। कैसी रही जानकारी बताना ज़रूर।